हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक आया कहाँ से? द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वायर्ड। क्या बोलता है कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो मेरे पास एक क्वाड वर्ड से आया जिसका मीनिंग मेरे पास होता है स्क्वायर। क्योंकि वो स्केयर क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम स्केयर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। अब ये इक्वेशन ऑफ डिग्री टू क्यों बोली जाती है? क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी हमारे पास जो हाइएस्ट डिग्री होगी वो टू ही होगी, 3, 4, 5 नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दी टू ऑन दी वेरिएबल एक्स। क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल होगा एक्स उसकी मेरे पास हाइएस्ट डिग्री आएगी 2। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, सो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये मेरे पास एक्स क्यूब आ गया और ये एक्स 4 है, सो ये मेरे पास जो वेरिएबल है जिनकी पावर मेरे पास 2 से बड़ी होगी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड इज इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड थर्ड इज वर्टेक्स फॉर्म। ये मेरे पास 3 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इज इक्वल टू 0 कुछ इस फॉर्म में होती है जनरल। इसमें हमारे पास जो ए बी सी है वो हमारे पास नॉन वैल्यूज होती है, मतलब कि वो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, बट हमारे पास जो ए होगा वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारे पास ए 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। सो हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, जो हमारे पास इक्वेशन है वेरिएबल है, उसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 ही रहेगी, इसलिए ये हमारे पास ए 0 नहीं होगा। और रही बात एक्स की, जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास अननोन होगा, उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं दी होगी, हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब मेरे पास है एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसको जनरल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगी, वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ए के साथ क्या है 2, तो हमारे पास ए कितना आएगा 2, और बी हमारे पास है 5, सिमिलरली हमारे पास सी कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू जो हमारे पास नॉन वैल्यूज होती हैं हम ऐसे निकाल सकते हैं। और रही बात एक्स की वैल्यू की, उसे हमें निकालना पड़ता है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक आगे फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको भी हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, सी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो हमारे पास a कितना आ गया 1, x के साथ हमारे साथ कुछ नहीं है तो हम इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास a आ गया 1, b हमारे पास आ गया माइनस 3, एंड हमारे पास c कितना आ गया 0। नेक्स्ट वी हैव 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इसमें हमारे पास a कितना आया 0, मतलब कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये हमारे पास आएगी लीनियर इक्वेशन बिकॉज ए इज 0। तो हमारे पास यहाँ पे बी कितना है 5 और सी हमारे पास है माइनस के 3। नेक्स्ट वी हैव अ लास्ट एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर माइनस 8x विच इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये जो हमारे पास सी वाली टर्म है ये तो हमारे पास ऑपोजिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज द अबव इक्वेशन एज, ये जो हमारे पास 4 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो हमारे पास ये पॉजिटिव के 4 लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव के बन जाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, सेम स्टेप, कंपेयर द इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम फिर से इस इक्वेशन को हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर कर देंगे और ए बी सी की वैल्यूज को निकाल लेंगे।
सो हमारे पास a कितना आ गया 2 और हमारे पास b यहाँ पे प्लस के बी एक्स और यहाँ पे माइनस के 8x है, तो हमारे पास b कितना आएगा माइनस के 8। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव c है बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस के 4, तो हमारे पास c की कितनी वैल्यू आएगी माइनस 4। सो दिस इज आवर आंसर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।